कोरोना वायरस की महामारी के चलते भारत में इस समय 17 मई तक लॉकडाउन जारी है। इसी बीच भारतीय रेलवे अच्छी खबर लेकर आई है। भारतीय रेलवे ने 12 मई यानी मंगलवार से कुछ यात्री ट्रेनों की सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। 12 मई से नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से ही सभी यात्री ट्रेन सेवाएं बंद थी। आपको बता दें कि सभी ट्रेनें नई दिल्ली से चलेंगी और इसमें एसी कोच भी होंगे। इन ट्रेनों में कोई भी व्यक्ति सफर कर सकता है, लेकिन उसके पास मान्य टिकट होना जरूरी है। साथ ही इन ट्रेनों के स्टॉपेज भी काफी कम होंगे। तो चलिए आपको कुछ खास बातें बताते हैं कि ट्रेन में सफर करने के लिए किन शर्तों का पालन करना होगा और इन ट्रेनों का रूट क्या होगा। पहली खास बात, भारतीय रेलवे 12 मई से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए रवाना होंगी। दूसरी खास बात, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि टिकटों की बुकिंग 11 मई सोमवार शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से की जाएंगी। किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यात्रा के टिकट के लिए कहीं भी कोई भी काउंटर नहीं खोला जाएगा। तीसरी खास बात, यात्रा के पहले स्टेशन पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य है। किसी भी यात्री में कोरोना के कोई भी लक्षण पाए जाने पर उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेलवे के मुताबिक कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। चौथी खास बात, इन ट्रेनों में सभी कोच एसी होंगे और इनके स्टॉपेज भी कम होंगे, यानी फिलहाल एसी कोच में यात्रा करने वाले लोग ही इस सेवा का लाभ ले पाएंगे। पांचवी खास बात, रेल मंत्रालय ने साफ किया है कि टिकटों की बुकिंग केवल ऑनलाइन होगी और रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। यहां तक कि काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकट सहित कोई भी टिकट जारी नहीं की जाएगी। केवल वैलिड कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी।